हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मुराड़ी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सभी राजस्थान यूनिवर्सिटी सभी महाविद्यालय हैं उन सभी की 6th मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ ही दिनों पहले 29 तारीख को हमारी जो कॉलेज थी उन्होंने 5th मेरिट लिस्ट जारी कर दी थी गई थी, क्योंकि जब मैंने एक और वीडियो में बताया था कि वहाँ पर 10% सीटें और बढ़ाई गई थी, तो उन पर 10% सीट्स पर महाविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान द्वारा 5th मेरिट लिस्ट जारी की गई थी। अब कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर 6th मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो जैसा कि हमने अपने सीनियर से और जो वहाँ के प्रोफेसर से उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि जो 6th मेरिट लिस्ट है उनके आने के चांसेस बहुत कम है। अगर लिस्ट आती है तो वो वेटिंग लिस्ट ही आएगी। ठीक है, वेटिंग लिस्ट जब आएगी, जब स्टूडेंट्स अब वापस से जो 5th मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट्स ने अब फीस जमा कराना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 6 से लेकर 8 तारीख तक उनकी लास्ट डेट है फीस जमा कराने की। तो अगर इसमें कुछ स्टूडेंट्स रह जाते हैं या जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट्स रह जाते हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाता, उन स्टूडेंट्स की जगह उन स्टूडेंट्स को लिया जाएगा और उनकी एक वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी जो कि बहुत जल्द निकाली जाएगी। और इसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट जल्दी ही जारी की जाएगी। इसके लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी महारानी की वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन महाराजा कॉलेज और अन्य कॉलेज थे उनकी अभी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई है। तो बार बार मैं यही कहूँगा कि अभी 6th मेरिट लिस्ट आने के चांसेस बहुत ही कम हैं और वेटिंग लिस्ट तो ज़रूर आएगी। तो इंतज़ार करते रहिए और किसी प्रकार की समस्या हो कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।